नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज देखो, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया था, तो उसमें से मैंने एक कमेंट्स पिक किया। एक लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर मैं 20 साल से गुजरात में रह रहा हूँ, तो क्या मुझे रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, क्या मैं अपना पासपोर्ट बनवा सकता हूँ कि नहीं बनवा सकता हूँ। देखो, ये मेनली बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि चलो आप दिल्ली से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो, तो अगर आप जन्म से ही उसी एड्रेस पर रह रहे हो, मतलब अगर मैं सूरत से हूँ, अगर मैं जन्म से सूरत में रह रहा हूँ, तो क्या मुझे रेंट एग्रीमेंट लगवाना पड़ेगा। तो इसका पूरा सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, तो देखो पासपोर्ट क्यों हमसे रेंट एग्रीमेंट मांगता है या फिर हमसे एड्रेस प्रूफ मांगता है, वो इसलिए मांगते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई आप उस एड्रेस पर बतौर रहते हो या फिर वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है जो एड्रेस में है। इसके लिए वो लोग मांगते हैं कि रेंट एग्रीमेंट, आप वहां पर रहते हो उसका प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा ना, इसलिए रेंट एग्रीमेंट भी मांगते हैं। तो चलो इसके ऊपर पूरा डीपली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप कहीं भी 20 साल से रह रहे हो या 25 साल से रह रहे हो या 10 साल से रह रहे हो, और वहां पर अगर आप भाड़े पर रह रहे हो और आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, तो चलो आपने सारे डॉक्यूमेंट तो बनवाए होंगे उसी एड्रेस का, तो आपको जो है रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप भाड़े पर रह रहे हो। अब रेंट एग्रीमेंट उनको नहीं देना पड़ेगा जिनका खुद का घर होगा। अगर आप 20 साल से रह रहे हो, भले आपका घर कहीं और है, देखो अगर आप यूपी से हो और आप गुजरात में या दिल्ली में बनवाना चाहते हो पासपोर्ट, तो 15-20 साल से अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, अगर यूपी से हो, दिल्ली में 15-20 साल से रह रहे हो और आपका खुद का घर है, छोटा ही घर, एक ही रूम है, लेकिन आपका खुद का है, तो उस टाइम पर आपको रेंट एग्रीमेंट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपका खुद का घर है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपको वहीं का है, तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। आपका घर होना चाहिए ताकि उससे वो वेरीफाई कर सके कि हाँ ये जो बंदा है इसका एड्रेस जो है, आइडेंटिटी प्रूफ जो है, मतलब एड्रेस प्रूफ जो है ये इसका ही है, ताकि वो वेरीफाई कर सके आपका एड्रेस प्रूफ को कि हाँ ये बतौर आप इस एड्रेस पर रहते हैं, सब कुछ क्लैरिफाई कर सके। ऐसा बहुत सारे कभी कभी फ्रॉड हो जाते हैं, कभी कभी मतलब टेररिस्ट लोग जो है डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में एड्रेस गलत डाल देते हैं रेंट पे रहने का या अपना घर बोल के, तो इसलिए देखो पासपोर्ट जो है हमारा इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। थोड़ा सा टाइम लगने का ये मतलब है कि इंक्वायरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी ना मुकरना है कि भाई आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा या नहीं। रेंट एग्रीमेंट अगर आप भाड़े पर रहते हो, सीधी सिंपल बात है कि भाड़े पर रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, और अगर खुद का घर है तो रेंट एग्रीमेंट नहीं देना पड़ेगा, तब आपको इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ेगा, लाइट बिल आपको देना पड़ेगा। एंड बहुत सारे इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो कि एड्रेस प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करें पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो इसके ऊपर भी पर्टिकुलर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेगी, तो आप जाकर मेरे इस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा कमेंट्स किया था, इसलिए मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी पड़ी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक पर।